सब तो पहला गल करांगे दिल्ली दे बॉर्डर की, किसानों की टिकरी बॉर्डर से राह खोलने लैके मतभेद अजे भी बरकरार है। अज भी किसानों ते प्रशासन की बैठक बेनतीजा रही, महज 15 मिनट ही दोवां धिरां की बैठक चली है। किसान 5 फुट तो ज़्यादा राह देने को तैयार नहीं है। हुण किसान आपस दे विच बैठक करके अगली रणनीति बनाउणगे, क्योंकि गल गाजीपुर की की जाए, गल टिकरी बॉर्डर की की जाए तो जिथे कि पुलिस के वलों बैरीकेडिंग पूरी तरह हटा दी गई है, रस्ता साफ कर दिता गया, तो हुण किसानों कहा जा रहा है कि भी एक साइड का रस्ता बिल्कुल क्लीयर कर साफ कर। पर जेकर किसानों की हुण तक की गल की जाए तो किसान सिर्फ 5 फुट तो ज़्यादा राह देने तैयार नहीं ने, तो लगातार प्रशासन के वलों किसानों के नाल बैठक भी की जा रही ने। अज भी महज 15 मिनट ही दोवें धिरां दे विचकार जिहड़ी उह बैठक चल सकी, हालांकि कोई भी इस बैठक के हल नहीं निकलिया, तो बैठक अज की भी बेनतीजा रही है। तो हुण किसान आपस दे विच बैठक करके अगली रणनीति तैयार करनगे। तो टिकरी बॉर्डर से राह खोलने लैके मतभेद बरकरार है। अज भी किसानों ते प्रशासन की बैठक हुई, पर यह बैठक भी बेनतीजा रही। महज 15 मिनट ही दोवें धिरां दे विचकार बैठक चली, गल किसानों के पक्ष की की जाए तो किसान 5 फुट तो ज़्यादा राह देने तैयार नहीं ने, तो हुण किसान आपस दे विच बैठक करके अगली रणनीति बनाउणगे। हालांकि दिल्ली पुलिस के वलों प्रशासन के वलों जिहड़ियां बैरीकेडिंग की गई सी, करीब 12 लेयर की बैरीकेडिंग सी, हौली हौली करके सारी हटा दी गई है। तो हुण प्रशासन के वलों किसानों को अपील की जा रही है कि वो भी एक रस्ता जिहड़ा वा बॉर्डर का वो क्लीयर कर साफ कर, आम जिहड़ी आवाजाई है वो बहाल हो सके। रास्ते खोलने का जी प्रशासन रास्ते खोलना चाहता है, हम पूरा रास्ता खोलने के लिए सहमत नहीं, इसलिए सहमत नहीं है कि 11 महीने हो गए बैठे, पूरे मकान बनाए, पूरे घर बनाए, दोनों रोडों पर आम लोग बैठे आ। अगर पूरा रास्ता खोल दिया जाता है तो रात को सुते पे लोग, कोई अणकटराल हो गया बड़ा वहीकल, तो कितनी जाना खतरे के आनगियाँ, ये चिंता का विषय हमारे लिए तो है, प्रशासन के लिए कोई ये विषय नहीं है। इसलिए असी 5 फुट के रास्ते पर सहमति देते हैं कि आम पब्लिक को आन जान दिया जाए, पर दिल्ली सरकार की चाहती है कि दिल्ली के नो एंट्री तो हरियाणे के जाके एंट्री हो, ये बिल्कुल हमारा तो मकसद, क्योंकि इंडस्ट्री वाले सिर्फ हाथ ही जोड़ रहे हैं, प्रशासन को भी किसान भाइयों को भी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लोग मरे पड़े हैं, कोविड ने मार दिया। अब ये इतने टाइम से इंडस्ट्री, अब थोड़ा सीजन का टाइम आया है, हमारी लेबर सारी दिल्ली भाग के दिल्ली काम कर रही है। 7,000 वर्कर जो 7 लाख वर्कर जो यहाँ नौकरी करते हैं सब बेरोजगार होने के हैं, क्योंकि वर्कर को क्या चाहिए, जहाँ भी तनख्वाह मिलती है उन्होंने क्या बॉर्डर पर इस तरह पैदल घूम के आना है, कैसे करना है। तो इस तरह का इतनी बड़ी एक विकट समस्या हमारे लिए हो रही है कि हम क्या करें। अभी हमारी इंडस्ट्री 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लोग अपने घरों से निकल के नहीं आ रहे। अब किसान भाई अड़े हुए हैं, भाई 5 फुट का रास्ता, 5 फुट के रास्ते से क्या करना है, फिर तो ना भी खुले तब भी कोई बात नहीं, 5 फुट में सिर्फ कोई अपने घर से फैक्ट्री से पैदल तो आएगा नहीं, फैक्ट्री में तो गाड़ियों से ही आना है, अगर गाड़ी से वो एंटर ही नहीं हो पाएगा तो फिर उसका कोई समाधान ही नहीं है। अब तो बहुत हमारे लिए विकट समस्या होती जा रही है, यहाँ से इंडस्ट्री प्लान करनी शुरू कर दी है। सो पेच अजे भी फसया होया, फिलहाल कोई भी हल निकलता होया नजर नहीं आ रहा, लगातार प्रशासन के वालों भी कोशिशें की जा रही ने। फिलहाल इस बैठक में लैके की अपडेट है, किसानों का की कहना है, प्रशासन का कहना, सीधा रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर का, जितों के मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज की बैठक की बात की जाए तो क्या कोई इसमें कोई बातचीत हो सकी है, कोई नतीजे तक बातचीत पहुँच सकी है, किसानों का क्या कहना है, किसानों की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है, प्रशासन का क्या कहना है, और जो नजदीक के दुकानदार हैं चाहे व्यापारियां उन लोगों का क्या कहना है, क्या मांग की जा रही है? जी परमिंदर, बहुत अहम बैठक आज होने वाली थी किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, जिसमें दिल्ली और हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उद्योगपति भी शामिल होने वाले थे बहादुरगढ़ के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की है इन रास्तों को खुलवाने के लिए। लेकिन किसान जो है वो 5 फुट का रास्ता खोलने की बात मानने वाले थे, लेकिन शाम के समय जो बैठक हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। उसके बावजूद रात के समय टिकरी बॉर्डर पर एक जो है वो 40 फीट लंबी दीवार हटा दी गई, लेकिन उसी से जो है वो किसान खफा हो गए और रात के समय ही आंदोलन तेज कर दिया गया, काफी संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर पहुंचे। अब भी किसानों की एक बैठक चल रही है मेरे पीछे, जहां किसान नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं, इसी एक पंडाल के अंदर जो किसान नेता वो बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, जो है निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन बॉर्डर को
खुलवाया जाए, रास्तों को खुलवाया जाए। वहीं जो बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई थी उससे भी सिर्फ पाँच से दस मिनट के बीच ही जो किसान हैं वो बाहर निकल आए और जो उन्होंने जो है अपनी बात करने के लिए मना कर दिया कि फिलहाल जो है एसकेएम की मीटिंग होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किस तरीके से इन रास्तों को खोला जाएगा। दरअसल जो दिल्ली के अधिकारी वो चाहते हैं कि एक लेन खोल दी जाए जिससे दिल्ली से आने वाले वाहन हरियाणा में प्रवेश कर सकें, लेकिन जो हरियाणा के वाहन है वो दिल्ली में जाने के लिए मनाही रहेगी। लेकिन हरियाणा के अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि दोनों तरफ का आवागमन होना चाहिए जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है बहादुरगढ़ की उसको भी ठीक ढंग से चलाया जा सके। उद्योगपति भी चाहते हैं कि कारों को अनुमति मिले, इसके लिए उन्होंने रास्ता भी सुझाया कि गाड़ियों पर स्टिकर लगा दिए जाएं और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उनकी गाड़ियां यहां पर आ सके ताकि जो उद्योग हैं वो चल सके। लेकिन दिल्ली पुलिस और किसान जो है वो आपस में अभी उलझे हुए हैं क्योंकि किसान चाहते हैं कि सिर्फ 5 फुट का रास्ता ही खोला जाए जिसके अंदर से पैदल राहगीर हो, दुपहिया वाहन हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, वो यहां से होकर गुजर सके, लेकिन गाड़ियों के लिए मनाही रहेगी, कार वहां से नहीं होकर जा सकेंगी, हैवी व्हीकल यहां से गुजरने के लिए मना किसान कर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके का हादसा हुआ है, एक सड़क दुर्घटना में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला किसानों में टक्कर मार दी थी जिससे 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी। इसलिए किसान कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा होता है रास्ते खुलने के बाद तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, किस तरीके से रास्ता बनाया जाएगा। किसान यहाँ 11 महीने से बैठे हुए, सरकार बैरिकेडिंग है वो पूरी तरह से हटा दी गई है, जैसे कि पहले सीमेंट की दीवार बाकी रह गई थी उसको भी हटा दिया गया है, अब पुलिस की तरफ से रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है, वो कैसी तस्वीरें? जी परमिंदर, जो रास्ता है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, करीब 50 मीटर की दूरी पर वो रास्ता है, वहाँ पर जो है वो बैरिकेड्स पूरी तरह से खोल दिए गए। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच जाती हैं, लेकिन इसके आगे बैरिकेटिंग की गई थी, कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग थी वो तो पुलिस ने हटा दी है, लेकिन अब उसकी जगह पर लोहे की बैरिकेटिंग लगा दी है क्योंकि किसानों ने विरोध किया था कि 40 फीट रास्ता क्यों खोल दिया गया, जब बात 5 या 10 फुट रास्ता खोलने की थी। ज़्यादा रास्ता खोलने की वजह से ज़्यादा व्हीकल यहाँ पर आएंगे, जाम की स्थिति बनी रहेगी और जो आंदोलनकारी हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट होते हैं, वो किसी गाड़ी की चपेट में आ गए, कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? फिलहाल जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, लेकिन उद्योगपतियों ने केस दायर कर रखा है, दिल्ली पुलिस को उसमें पार्टी बनाया गया है, राज्य सरकारों को उसमें पार्टी बनाया गया है, उसी से पीछा छुड़वाने के लिए ये कवायद सारी शुरू की गई है, क्योंकि पिछले लंबे समय से किसानों के साथ बातचीत नहीं की जा रही है, रास्ते बंद होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बात की। अगली बैठक किसानों की प्रशासन के साथ कब हो सकती है? जी परमिंदर, करीब आधे घंटे के बाद एक और बैठक यहाँ पर की जाएगी जो किसानों, उद्योगपतियों और दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा के अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे। दिल्ली की सीमा के अंदर एक होटल में वो बैठक आयोजित की जाएगी। पहले किसानों की बैठक चल रही है मेरे पीछे एक पंडाल में, इस बैठक के बाद ही वो बैठक शुरू हो पाएगी और उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है प्रदीप, फिलहाल की पूरी जानकारी थोड़ा बहुत बहुत धनबाद। और टिकरी बॉर्डर तो ग्राउंड जीरो तो असं तुम्हें तस्वीर भी विखाई, फिलहाल किसानों वालों अपने पद्धर से बैठक की जा रही है, उस तो बाद फिर प्रशासन के नाल बैठक होगी। प्रशासन के वालों ये कहा जा रहा है कि किसान एक साइड का रास्ता बिल्कुल साफ कर देन क्योंकि पुलिस वालों अपने पद्धर जी बैरीकेडिंग बिल्कुल हटा दी गई है ताकि आवाजाई बहाल किया जा सके। पर किसानों का फिलहाल यही कहना है कि 5 फुट तो ज़्यादा राह देने को तैयार नहीं ने, 5 फुट तो ज़्यादा राह नहीं छड़ा जाएगा। उधर टिकरी